नमस्कार, 1972 वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो बैकग्राउंड वीडियो था वो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। बॉबी फिशर कैसे क्वालिफाई हुए थे इस चैंपियनशिप के लिए स्पासकी के अगेंस्ट में, उसके पीछे बहुत बड़ी एक मतलब स्टोरी थी। बहुत सारे टूर्नामेंट्स उनको जीतने पड़े, बहुत अच्छा अच्छा स्कोर रहा उनका सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आज हम जो देखने वाले हैं वो है उनका फर्स्ट गेम, यानी स्पासकी और फिशर के टूर्नामेंट में जो एक्चुअली बहुत कुछ हुआ था पहले, और फाइनली जाके पहला राउंड स्टार्ट हुआ। और पहले राउंड में सब कुछ पीसफुल चालू था, लेकिन सडनली एक मोमेंट पे आके फिशर ने एक रिस्की डिसीजन लिया, उसको हम आज देखेंगे। और देखेंगे कि कैसे इसके बाद जो हम पूरा चैंपियनशिप कवर करने वाले हैं उसका थोड़ा सा स्टोरी, राइट। सो अगर हम स्टार्ट करें तो d4 नाइट ऑफ 6, c4 e6 नाइट टू f3 d5। अब एक हिसाब से देखा जाए तो नाइट एफ थ्री के बाद d5 नाइट c3 खेला उन्होंने, और ये QGD यानी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वाला जो वेरिएशन है वो है। बिशप b4 खेला यहाँ पे, निम्स इंडियन में जनरली बिशप b4 खेलते हैं, बट d5 डिले किया हुआ रहता है। e3 खेला यहाँ पे, कैसल एंड bd3। बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल स्टाइल से उन्होंने स्टार्ट किया था स्पासकी ने। हालांकि उसके पहले उनका जो जो स्टाइल था, मतलब देखा जाए तो स्पासकी इतने कोई ऐसे प्लेयर नहीं थे जो बहुत डर के या कभी पैसिव खेलते हैं। डेफिनेटली उनके गेम में अटैकिंग चेस और डायनामिक चेस का बहुत बड़ा रोल था, राइट। तो c5 खेला यहाँ पे, शॉर्ट कैसल नाइट टू c6। देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल ताराश का स्ट्रक्चर लग रहा है पूरा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज बिशप ऑन b4। जनरली ताराश में जो है बिशप e7 पे रहता है, राइट। और मेनली बहुत बार जो है आइसोलेटेड क्वीन पॉन वाले जो पोजीशंस आते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें ब्लैक जो है वो सी कट डी, ई कट डी और डी कट सी मार देता है, जिसमें आप d5 पॉन, d4 पॉन को टारगेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे a3 खेला स्पासकी ने, बिशप टू a5 नाइट e2। जनरली इन पोजीशंस में आप देखिए तो बिशप इनटू c3 मारा हुआ रहता है, और जो ओपनिंग के बाद जो कुछ मूव्स के बाद पोजीशन आई थी वो एक्चुअली स्पासकी ने उसके पहले ज्यादा बार खेला नहीं था कभी, राइट। सो फिशर के लिए भी एक सरप्राइज था ये। डी कट c4 मारा, बिशप इनटू पॉन, बिशप b6। फाइनली फिशर का जो आइडिया है वो ये है कि सी इनटू डी मार के हम आइसोलेटेड क्वीन पॉन पे खेलें, लेकिन यहाँ पर स्पासकी ने सिंपली डी कट सी मार दिया। और मुझे लगता है यहाँ तक आते आते पूरा इक्वल गेम चालू है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डी कट सी फाइव के बाद उन्होंने क्वीन इनटू डी वन भी एक्सचेंज कर दिया फिशर ने, रुक इनटू डी वन एंड देन बिशप कट सी फाइव। अभी आप देखें एक क्वीन लेस मिडल गेम चालू है, जहां पे व्हाइट जो है वो सिंपली बी फोर पुश कर सकता है, एंड देन द आइडिया इज टू प्ले बिशप b2। और यहां तक भी कुछ नहीं लग रहा, मतलब इस गेम को कोई नहीं बोल सकता है कि इस गेम में रिजल्ट आने वाला, बिकॉज अभी तक कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहे। बी फोर खेला, बिशप टू e7, बिशप b2, एंड मैं बोल सकता हूँ कि ये मे बी स्लाइटली बेटर है फॉर वाइट, बिकॉज उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन bd7 खेला यहाँ पे, अगर आप बिशप इंटू f6 मारते हो यहाँ पे, जो कि एक स्मॉल टैक्टिक यहाँ लग रही है, बिशप इंटू f6 एंड देन रुक इंटू d7 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज a1 हैंगिंग, राइट। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था। bd7 एक्चुअली प्रैक्टिकली डिफिकल्ट लग रहा था खेलना, बट वहाँ पे चल रहा था, और वही फिशर के गेम का जादू था कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतनी आसानी से, इतनी सुलझता के साथ वो खेलते थे कि सबको लगता था कि यार ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा, राइट। सो रुक c1 खेला, रुक fd1, नाइट टू d4 एंड देन नाइट इनटू d4, नाइट इनटू d4। अभी तक भी आप देखिए सब कुछ इजीली चल रहा है, बहुत ही स्मूथ गेम चल रहा है। व्हाइट के पास स्लाइट एज था, लेकिन मुझे लगता है ब्लैक ने आराम से bd7 के बाद रुक fd8 के बाद इक्वलाइज कर लिया है। बिशप टू a4, रुक d1 पे अटैक है, अगर आप उसको मूव करोगे तो आपको ओपन फाइल छोड़ना पड़ेगा। तो स्पासकी ने डिसाइड किया कि बिशप b3 से एक्सचेंज कर लेते हैं, बिशप कट b3, नाइट इनटू b3 एंड देन रुक इनटू d1। आफ्टर रुक इनटू d1 रुक c8 खेला, और ये तो बिल्कुल ही नेचुरल लग रहा है कि अब इस गेम का जो रिजल्ट है वो बहुत ही आसानी से ड्रॉ की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन आगे आप देखिए, बिकॉज जो गेम है ना वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बहुत बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे आके फिशर ने जो है एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया था। किंग f1 खेला, ऑफकोर्स रुक c2 को रुक d2 आ रहा है, तो इसीलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। सो किंग f1 को किंग f8 खेला, जितना हो सके आपको किंग ना एंड गेम में गेम में लाना चाहिए। बोलते हैं कि किंग इज अ पीस इन द एंड गेम, यूज इट, राइट। आपको यूज करना चाहिए उसको। किंग e2,
नाइट टू ई फोर। अब इस वक्त आप देखिए कि रुक डी टू नहीं आ सकता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्ले रुक सी वन, एंड देन आफ्टर रुक इनटू सी वन, बिशप इनटू सी वन, सब कुछ एक्सचेंज हो चुका है, सिर्फ नाइट और बिशप बोर्ड पे हैं, वो भी सिमेट्रिकल मतलब सिमिलर कलर के हैं बिशप बोर्ड पे, तो कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आराम से ड्रॉ होने वाली है। एफ सिक्स खेला फिशर ने यहाँ पे, नाइट टू ए फाइव, ऑफकोर्स आप बी सिक्स नहीं जा सकते हो बिकॉज नाइट सी सिक्स आ जाएगा और आप देख सकते हैं ए सेवन जो है वो टारगेट बन सकता है, और वैसे भी जिस कलर का बिशप है ओपोनेंट के पास उसी कलर में पॉन्स जो है वो फिक्स नहीं करने चाहिए ज्यादातर, राइट, क्योंकि वो बाद में ना टारगेट बन सकते हैं। तो नाइट एफ आई को नाइट डी सिक्स खेला यहाँ पे, बी सेवन को प्रोटेक्शन दिया, किंग टू डी थ्री, ऑफकोर्स इस बार आप देखिए कि व्हाइट का किंग जो है वो इजिली डेवलप हो गया, जल्दी से गेम में आ गए, और फ्यूचर में आप एफ फोर ई फाई खेल के इसको हटा सकते हैं, एंड देन यू कैन टारगेट बी सेवन, लेकिन ये बहुत बड़ी जर्नी है, ये इतना आसानी से नहीं होने वाली है। बी डी एट खेला, नाइट को वहां से भगाना जरूरी था, नाइट सी फोर खेला, बिशप टू सी सिक्स, एंड देन नाइट इन टू डी सिक्स, बिशप इन टू डी सिक्स, ये मुझे लगता है पोजिशन बहुत बार लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि यहीं से आकर जो है रॉबर्ट जेम्स फिशर ने एक रिस्की डिसीजन लिया था, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का। हालांकि अगर हम देखें तो उस वक्त जो 1972 का जुलाई में जो फर्स्ट रेटिंग लिस्ट आया था, वो जहां तक मुझे याद है फिशर का रेटिंग था 2785 समथिंग और स्पास की अराउंड 2660 थे, तो रेटिंग का बहुत बड़ा गैप था। तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रीवियस जो करंट वर्ल्ड चैंपियन थे उस वक्त वो स्पास की थे, लेकिन सबके फेवरेट जो थे वो रॉबर्ट जेम्स फिशर थे। और एक और अच्छी बात हुई थी उस टूर्नामेंट में कि फिशर ने इतने ज्यादा डिमांड्स और बहुत सारी चीजें थी ऑफ द बोर्ड जो साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रही थी स्पास्की को कि ये टूर्नामेंट चालू भी होंगी कि नहीं, राइट, क्योंकि फिशर हर वक्त कोई ना कोई नई डिमांड लेके आते थे कि मुझे ऐसा चाहिए, चेस बोर्ड भी मेरे हिसाब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो बहुत सारी बातें थी जो इस चैंपियनशिप में हुई थी, कुछ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड करके बताया था कि क्या क्या हुआ था और फिशर कैसे क्वालिफाई हुए थे, 6-0 हराया था उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है स्पास्की ने B5 खेला, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिस कलर का बिशप है ओपोनेंट के पास उसमें पॉन मेंटेन नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली अगर ब्लैक B5 खेल देता यहाँ पे तो ये दोनों पॉन फिक्स हो जाते डार्क कलर में, जिस कलर का बिशप है ओपोनेंट के पास। तो स्पास्की ने वही देखते हुए B5 खेला कि नेक्स्ट मूव हम ये खेल देंगे A4 और दोनों पॉन व्हाइट में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये एक वेल नोन आइडिया है कि अगर आप H2 मार देते हो तो ये बिशप कभी ट्रैप हो सकता है, राइट, और स्पास्की ने डेफिनेटली यही सोचा होगा कि आप मार नहीं सकते हो बिकॉज उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों फिशर ने वो डिसीजन लिया, और हो सकता है क्योंकि गेम ना इतना आसानी से वो ट्रैप नहीं हुआ था। मुझे याद है मैंने एक ग्रैंड मास्टर को हराया था, जो पहला मैंने नागपुर में हराया था 2012 में, उन्होंने भी ऐसा ही एक पॉन मारा था और बाद में उस बिशप का रोल जो है वो बहुत ही पैसिव हो गया था, एंड देन आई कन्वर्टेड इजीली, राइट, थोड़ा टाइम प्रेशर था लेकिन अच्छा गेम हुआ था। वो भी आप जरूर देखिए, मैंने वो अपलोड किया हुआ है, माई फर्स्ट विन अगेंस्ट अ ग्रैंड मास्टर नाम से। तो फाइनली स्पास्की के अगेंस्ट फिशर ने यहाँ पे बिशप इनटू H2 मार दिया, और अभी आप देखिए सिंपली G3 के बाद इस बिशप को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब ये एक ऐसा लायन है जो केज में, राइट, तो उसका जो रोल है वो इतना ज्यादा, और उसको ना फिर छोटे बच्चे भी देखा ना अपने मूंगफली मारते हैं, राइट, लेकिन अगर सामने आ जाए तो पता है कि हालत क्या होती है। ओके, सो H5 खेला यहाँ पे, किंग टू E2, H4 एंड किंग F3, फाइनली अब जो है G3 का जो पॉन है वो प्रोटेक्टेड है। इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पॉन टेक्स पॉन को आप किंग G2 खेलो और ये सोचो कि ये पॉन कभी नहीं हट सकता क्योंकि ये मर रहा है, क्योंकि उसमें एक सिंपल मूव था, पॉन इनटू पॉन आ रहा है, एंड देन यू कैन नॉट टेक ऑन H2 बिकॉज F1 क्वीन बन रहा है, तो ये तो नहीं चल रहा था। लेकिन किंग F3 को ऑब्वियसली आप जब इसको मारोगे H into G3 तो F into G3 बहुत ही आसान था, और नेक्स्ट मूव जो है इस ट्रैप हो रहा है सिंपली, तो उसको देखते हुए किंग E7 खेला। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि फिशर ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें उनको लगा होगा कि कॉम्प्लिकेशन है, एंड स्टिल आई कैन प्ले दैट। एक वक्त ऐसा था जब मतलब फिशर जब खेलते थे उस दौरान कि लोग बोलते थे अगर फिशर ने बोला है कि ड्रॉ है ये गेम तभी वो ड्रॉ मान लेना चाहिए, अदरवाइज जो बहुत क्विक ड्रॉ करते हैं ना लोग तो वो जरूरी नहीं हर बार, फिशर हमेशा कोशिश करते थे कि आखिरी तक फाइट करें, राइट। तो किंग E7 खेला यहाँ पे, किंग टू G2 एंड देन पॉन इनटू पॉन, F into G3, बिशप इनटू G3, फाइनली पॉन मारना ही पड़ेगा अदरवाइज आपका बिशप वैसे भी मर रहा है,
किंग टेक्स G3, किंग D6, और मुझे लगता है फिशर को शायद ये लगा होगा या उन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा इतना, जो कि थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी मूव आई थी मुझे जहां तक याद है स्पासकी ने खेला था कि आफ्टर A4, अब डेफिनेटली फिशर को लगा होगा कि मुझे दो पॉन इधर है और एक पॉन हो सकता है इधर भी मिल जाए, बिकॉज अब ये दोनों पॉन वाइट में है तो बिशप कभी भी इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और किंग का तो कोई चांस ही नहीं इधर आके इनको प्रोटेक्ट करे, तो उनको शायद लगा होगा कि मुझे तीन पॉन मिल जाएंगे। जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि एंड गेम में अगर आपके पास तीन पॉन है अगेंस्ट अ माइनर पीस तो वो सफिशियंट पोजिशन है, यू कैन प्ले राइट। सो किंग D5 खेला यहाँ पे, बिशप टू A3, किंग E4, E3 पे अटैक है, बिशप C5, A6, व्हाइट पे पॉन रखना बहुत जरूरी है, B6 बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ब्लैक से B6 खेलोगे ना इंस्टेड ऑफ A6 तो बिशप जो है इधर आके इस पॉन को मार देगा राइट, और वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो B6 खेला, ये बहुत ही सही मूव था एक्चुअली, ये बहुत जरूरी था बिकॉज जब आपके पास लिमिटेड पॉन्स है और आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है ऑन द बोर्ड तो डेफिनेटली आपको पॉन्स एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, वहां पे आप पॉन्स रखो बोर्ड पे ताकि आपको जीतने का चांस बना रहे राइट। तो यहाँ पे F5 खेला, किंग टू H4, F4 पॉन टेक्स पॉन, किंग टेक्स पॉन। अभी ना ये पोजीशन मुझे लगता है अगर A5 पुश हुआ रहता तो ये वैसे ही ड्रॉ है विदाउट दीज टू पॉन्स, ये थियोरेटिकल पोजीशन है जो कि आप फोर्ट्रेस बोल सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे होता था ये राइट। सपोज आप किंग H5 खेल की जगह अगर उन्होंने A5 खेला होता है, यहाँ पे दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग आई थिंक, क्योंकि अगर इसमें हमने पॉन पुश कर दिया, सपोज इसमें किंग H5 खेला, किंग F5, एंड मे बी सपोज उन्होंने, मैं रैंडम मूव दे रहा हूँ, बहुत एक्यूरेट मूव नहीं है ये, मैं सिर्फ आपको एक पोजिशन दिखा रहा हूँ कि ये जो पोजिशन है किंग E6, किंग G6, किंग हियर टेक्स, किंग टू C6, किंग F6, किंग टू B8 एंड टेक्स। अब इस एक्स्ट्रा बिशप के साथ भी ये पोजिशन ड्रॉ ही होने वाला है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप इस किंग को कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे, और इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे तो दैट मीन्स कि ये पॉन प्रोटेक्टेड रहेगा और ये भी रहेगा राइट। आप कितने भी पॉन्स लगा लो, मतलब अगर वाइट के सब पॉन यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉन होते इन सभी ग्रीन स्क्वायर पे और ब्लैक के यहाँ पे पॉन होते तो भी ये ड्रॉ होता राइट। ये बहुत ही वेल नोन थ्योरेटिकल ड्रॉ है जिसको कि आप फोर्ट्रेस भी बोल सकते हो राइट। सो ऐसे आइडियाज हमको पता होने चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है राइट। इसी कारण से उन्होंने एक्चुअली A5 नहीं खेला राइट और किंग H5 खेला, बिकॉज ये पॉन अगर रहेगा तो कभी ना कभी उनको A5 पुश करना पड़ेगा एंड देन उसमें फिर से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहेंगी, लेकिन यू विल विन राइट। किंग F5 खेला यहाँ पे, बिशप टू E3, किंग E4, बिशप F2, किंग F5, और ब्लैक कोशिश कर रहा है कि उस पॉन को रोकना पड़ेगा किंग को एंट्री के लिए। किंग G6, बिशप H4 खेला, E5, बिशप टू G5, अब फाइनली E4 के बाद बिशप E3 आ गया और इस किंग को कभी ना कभी हटना पड़ेगा F5 पे, अब हमेशा ऑपोजिशन नहीं दे सकते हो। किंग F6 खेला यहाँ पे, किंग टू G4, किंग E5, किंग G5, एंड फाइनली आप देखिए एक एक फाइल छूट रही है, एक एक फाइल के साथ साथ गेम भी छूट रहा है ब्लैक का हाथ से। किंग D5 खेला, किंग टू F5, पॉन पुश, फाइनली ब्लैक को पॉन पुश करना ही पड़ा, बिकॉज अब आप देखिए इस पोजीशन में सपोज अगर वो F नहीं खेलते एंड देन किंग C4 खेलते हैं तो आप मार सकते हो इसको, किंग B4, किंग D5, किंग इनटू पॉन, किंग D6। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिशप है वो इस पॉन को कभी ना कभी जाके मार देगा और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पांच मूव में क्वीन बन जाएगा, तब तक वो आराम से जीत जाएंगे, इसीलिए उधर नहीं जा सकते थे। A5 खेला यहाँ पे, बिशप टू F2, G5, किंग इनटू G5, किंग C4, किंग टू F5, किंग B4, किंग इनटू पॉन, किंग इनटू A4, और जैसे मैंने बोला कि अब एक सिंपल बात है कि इस एक्स्ट्रा पीस का वैल्यू आपको दिख रहा है क्योंकि ये कभी भी इस पॉन को डील कर सकता है, बिशप को सिर्फ इस डायगोनल में हम मेंटेन कर देंगे और किंग जो है मेरा आराम से इसको जाके मार सकता है, जरूरत नहीं है डायरेक्टली भी जा सकते हैं राइट, किंग इधर जाने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही आसान सा विन था, किंग D5 खेला यहाँ पे, किंग टू B5, किंग D6, एंड फाइनली आप देख सकते हैं अगर आपने मतलब यहाँ पर 56th मूव पे आके बॉबी फिशर ने रिजाइन कर दिया था वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला गेम, और दूसरे गेम के बारे में क्या हुआ ये मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा क्योंकि वो बहुत उसमें ना बहुत स्टोरी हुई थी राइट, बहुत सीन हुआ था तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड वीडियो आप जरूर देखना, मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है वो भी आप देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टूर्नामेंट जीत के और कैसे कैसे वो पहुंचे थे इस चैंपियनशिप को खेलने के लिए रॉबर्ट जेम्स फिशर राइट।
सो आफ्टर किंग d6 उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि हम देखते हैं कि क्या होता था अगर इसको कंटिन्यू करते तो, राइट। सो आफ्टर किंग d6 में भी अगर आप a4 खेलते हो, किंग c6, किंग a6, देन पोन पुश में भी आई कैन प्ले, यहाँ पे बिशप d4 खेल सकते हैं पोन पुश, और मैं आराम से इसको मेंटेन करता रहूंगा, बिकॉज जैसे ही आप ये खेलोगे आई विल प्ले बिशप a1 और आपको किंग हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, एंड देन आई टेक ऑन b7 और अब बहुत ही आसान है, अब ये आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा विन निकाला था लास्ट में, हालांकि फिशर के रिस्की डिसीजन के बाद ही इस गेम में कुछ रिजल्ट आने की संभावना आ गई, अदरवाइज ये गेम आराम से ड्रॉ हो जाता। बहुत जल्दी मिलेंगे हम सेकेंड वीडियो के लिए। साथ ही साथ मैंने ना एक टॉप 5 का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि विश्वानंद का एक टॉप 5 पोजीशंस का, चेस पोजीशंस का मैंने वीडियो डाला था, वो आप जरूर देखिए। और हम कोशिश करेंगे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को हम जो बैकग्राउंड में ऑफ द बोर्ड जो चीजें हो रही थी उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए देखें, ताकि उसमें और मजा आए, राइट। मुझे हमेशा लगता है कि उन चीजों का चेस प्लेयर के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, सिर्फ ऐसा नहीं आप मूव्स को ही देखते रहोगे, राइट। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।